गाइज ये वीक तो स्मार्टफोन लॉन्चेस का है। सैमसंग ने अपनी द मोस्ट अवेटेड सैमसंग S23 सीरीज को लॉन्च कर दिया है और ये वीक या फिर कहें तो इस मंथ में कई सारे स्मार्टफोन लॉन्चेस होंगे। इसी बीच ओप्पो ने अपनी एक न्यू सीरीज को लॉन्च कर दिया है विच इज ओप्पो रेनो 8T 5G और इसमें एक माइंड ब्लोइंग फीचर आता है जो आगे वीडियो में आपको बताएंगे। सो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट। अब ओप्पो की जो रेनो सीरीज है वो वैसे भी काफी पॉपुलर सीरीज रहती है। अब उन्होंने इसी रेनो सीरीज में एक और फोन लॉन्च किया है विच इज ओप्पो रेनो 8T एंड रेनो सीरीज में स्पेसिफिकेशंस पे इतना जोर नहीं होता है जितना कि डिजाइन इन हैंड सील एंड कैमरा पे होता है। और दो फोन ऑलरेडी इसी लाइनअप में है जो लास्ट ईयर लॉन्च हो चुके थे विच इज रेनो 8 एंड रेनो 8 प्रो और दोनों ही फोन की हमने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू चैनल पे कर रखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। और हमने रेनो 8 प्रो का वीवो V25 के साथ कैमरा कंपैरिजन भी कर रखा है जिसकी लिंक मैं यहां डाल दूंगा। और ये रेनो 8T रेनो 8 एंड रेनो 8 प्रो का लाइटर वर्जन, इस फोन को मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं और ये रिव्यू वीडियो नहीं है, ये मेरे अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन है एंड रिव्यू जल्द ही आएगा चैनल पे, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो सबसे पहले हम लोग बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। तो यहां सामने आपको ओप्पो रेनो 8T की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो बॉक्स में सबसे पहले आपको एक छोटू सा बॉक्स और देखने को मिलता है जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएंगे और एक फ़ोन का कवर और सिम कार्ड टूल देखने को मिल जाएगा। देन हमारे पास हमारा फ़ोन आ जाता है जिसकी बात अभी हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। देन हमें बॉक्स में मिलता है एक 80 वॉट का अडेप्टर, काफ़ी अच्छी बात है। और हमें साथ में मिलता है एक टाइप ए टू टाइप सी केबल। सो बस बॉक्स में इतना ही सब कुछ आपको मिलता है एंड ये रहा हमारा फ़ोन एंड इन सब चीज़ों को तब से हम लोग साइड कर देते हैं। सो बढ़ते हैं अपने फ़ोन की तरफ, इसकी पन्नी तो उतार दूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड की। गाइज इट्स अ वेरी लाइट वेट फोन। इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट है सिर्फ और सिर्फ 171 ग्राम्स। सो फोन बहुत ही हल्का फील होता है एंड थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस है 7.7 mm एंड जो इन हैंड फील है दैट इज रियली गुड। आगे आपको कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती है एंड पीछे से भी कर्व्ड किया गया है, सो इन हैंड फील मैं कहूँगा इज रियली गुड। तो चलिए कुछ लोगों का ओपिनियन ले लेते हैं। दोस्तों ये है मेरे रिहान भैया और भैया ये रेनो 8T 5G है, तो आप बताइए कि आपको इन हैंड फील इसका कैसा लग रहा है। ये काफ़ी प्रीमियम फ़ोन निकाला है कंपनी ने और इसका हैंड फीलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, ग्रिपिंग वगैरह काफ़ी बेहतर है और बहुत स्लिम फ़ोन है जो कि 4800 mAh की बैटरी है, फिर भी ये फ़ोन काफ़ी स्लिम है और इसने कंपनी ने बैक पे आपको ओप्पो ग्लो डिज़ाइन बनाया है जो कि काफ़ी यूनिक है। आप इसमें कलर चेंजिंग भी पा सकते हैं और दोनों तरह से 3D कर्व है। कर्व स्क्रीन में जिस सेगमेंट में ये रेंज में आ रहा है काफ़ी फाड़ू फोन है और काफ़ी बिकने वाला फोन है। सो डिज़ाइन के बारे में और बात की जाए तो पीछे की तरफ देखोगे तो आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलती है एंड जो फ्रेम दिया गया है ये भी आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको हैंड में लिया था तो मुझे फील हुआ था कि एक मेटल फ्रेम है बट इट इज़ प्लास्टिक। एंड ये जो पीछे आपको बैक डिज़ाइन देखने को मिलता है, यूजुअली मैं इतना फैन नहीं हूँ ऐसे ग्लोइंग और शिमरिंग डिज़ाइन का, बट द इम्प्लीमेंटेशन हियर इज़ रियली नाइस। वैसे इसमें दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे विच इज़ सनराइज गोल्ड जो कि मेरे पास है इस वक्त एंड इसमें एक और आता है मिडनाइट ब्लैक, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। सो पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, एक माइक एंड सिम कार्ड ट्रे। राइट हैंड साइड में आपको पावर बटन देखने को मिलता है एंड ऊपर तरफ एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन एंड सेंसर एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है। एंड सिम कार्ड ट्रे की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है ड्यूअल नैनो सिम कार्ड ट्रे, मींस इसमें आप दो सिम या फिर एक सिम और एक एसडी कार्ड लगा पाओगे। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 6.7 इंच की एक FHD+120Hz की AMOLED डिस्प्ले। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज 93% एंड इसमें आपको 360Hz का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। तो इसमें आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है, बेजल्स इवन चेन भी मैं कहूंगा इज वेरी थिन, आई लाइक इट। एंड ऊपर तरफ आपको पंच होल देखने को मिल जाएगा, सो स्क्रीन क्वालिटी इज वेरी गुड एंड वीडियोज देखोगे तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड बेजल्स वगैरह बहुत थिन है, सो आप वीडियोस वगैरह वॉच करोगे सो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, सो एकदम बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको ये दे देता है एंड आउटडोर में भी हार्श सनलाइट में यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, डिस्प्ले अच्छे से विजिबल हो जाती है।
रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें एक ही वेरियंट आता है 8+128GB का, एंड इसमें रैम टाइप आपको मिलती है LPDDR4X एंड स्टोरेज दी गई है UFS 2.2, एंड इसमें आपको अप टू 8GB तक वर्चुअल रैम देखने को मिल जाएगी, विच इज प्रीटी गुड। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 695, ये वाली SoC देखने को मिलती है। आई नो ओप्पो इसको थोड़ा बेटर कर सकता था, ये SoC 1.5 साल पुराना हो चुका है, काफी सारे फोन्स में आया था, इवन 20 से 25 हजार के फोन्स में भी ये वाली SoC देखने को मिली थी। एंड अगेन इट इज नॉट अ परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन, बट ओप्पो ने ऑप्टिमाइजेशन पे अच्छा वर्क किया है जिससे आपका एक्सपीरियंस एकदम मक्खन रहेगा। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड विद इट्स फ्लुइडिटी, आपको डे टू डे टास्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड गेमिंग की बात करें तो इसमें आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे गेमिंग कर पाओगे, FPS आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। हाई परफॉर्मेंस वर्क करते हुए फोन हीट नहीं होता है बिकॉज ओप्पो ने इसको वेल ऑप्टिमाइज कर रखा है, सो दिस इज प्रीटी गुड। एंड बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 4800mAh की बैटरी, एंड बॉक्स में आपको 80W का अडैप्टर देखने को मिलता है, बट फोन यहाँ पे 67W की चार्जिंग सपोर्ट करता है, सो आराम से आपको एक दिन का बैकअप देखने को मिल जाएगा, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। इवन आप हाई परफॉर्मेंस टास्क करोगे तब भी आपको एक दिन जाएगा। एंड इसमें आपको पावर डिलीवरी देखने को मिलती है, वो भी 9V की। एंड सेंसर्स की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफी फास्ट अनलॉक हो जाता है, एंड फेस अनलॉक देखने को मिलता है, विच इज प्रीटी गुड। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलेगा, एंड NFC का सपोर्ट भी दिया गया है। OS एंड UI के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है ColorOS 13.0 विच इज बेस्ड ऑन Android 13, एंड काफी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देता है बिकॉज ओप्पो ने इसमें TUI सर्टिफिकेशन लिया है 4 ईयर्स का, मीन्स 4 ईयर्स तक ये फोन एकदम ऐसे ही मक्खन चलेगा। एंड इसमें आपको थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को मिल जाते हैं जिन्हें हम ब्रॉडवेयर्स कहते हैं, सो ओप्पो प्लीज रिमूव इट। एंड ये अच्छी बात है, इससे आपको 13 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे, सो कनेक्टिविटी में यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बाकी अदर फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें आपको वाइड ओपन अलोन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कैमरा टू API का सपोर्ट दिया गया है, सभी सेंसर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड द स्टार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स। एंड मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो इसमें आपको ड्यूअल स्पीकर देखने को मिलते हैं विच इज लाउड एंड क्लियर, एंड एमोलेड डिस्प्ले आती है, एंड कर्व्ड स्क्रीन है, सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। यूट्यूब पे वीडियोज वॉच करते हो, मूवीज वगैरह वॉच करते हो नेटफ्लिक्स पे, सो आपका एक्सपीरियंस एकदम ऑसम रहेगा। अब बात करते हैं कैमरा की, इसमें आपको देखने को मिलता है 108MP का मेन सेंसर, 2MP का डेप्थ, एंड 40x का माइक्रो लेंस। यस, इसमें आपको माइक्रोस्कोप लेंस दिया गया है, अभी आगे मैं दिखाता हूँ। एंड सेल्फी की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 32MP की सेल्फी। सो ये कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक करी थी डे टाइम में, सो आप इसको देख के बताइए कि आपको इनकी क्वालिटी कैसी लग रही है। सो डायनेमिक रेंज काफी अच्छे बैलेंस कर लेता है, एंड ओप्पो ने इसमें अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन की है, तो आफ्टर क्लिकिंग द फोटो ओप्पो इसको और भी ऑप्टिमाइज करके बेटर क्वालिटी हम लोग को प्रोवाइड करता है। डायनेमिक रेंज इज गुड, स्किन टोन्स अच्छे आते हैं, ज्यादा ब्राइटन अप नहीं करता है। एंड मैं जी ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। सो पहले आप कुछ सैंपल्स देख लो, देन हम अपने आएंगे माइक्रोस्कोप लेंस पे। गाइज इसमें आपको मिलता है 40x का माइक्रोस्कोप लेंस, तो चलिए कुछ आपको सैंपल्स दिखाते हैं इसके। आइए तो मैं इसको यहाँ माइक्रोस्कोप लेंस ऑन कर लेता हूँ, और मैंने एक हुडी पहन रखी है, देखते हैं ये क्या कैप्चर करता है। ओ भाई, एक एक फाइबर्स दिख रहे हैं इसके, इसमें आप 40x तक जा सकते हो, एक एक फाइबर्स नजर आ रहे हैं गाइज, आप तो देख रहे हो एक एक फाइबर्स दिख रहे हैं इसके। और मैं अपने अगर हाथ पे करता हूं, देखते हैं क्या दिखाता है ये। ओ भाई, एक एक हेयर्स दिख रहे हैं हाथ के।
वो भी क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहा है ये। और मेरे पास यहाँ पे फ़ोन रखा है, तो चलिए इसका देखते हैं ये इसके पिक्सल्स को कैप्चर कर पाता है कि नहीं। गाइस आपको पता है ये एमोलेड डिस्प्ले है और इसके सारे एक एक पिक्सल्स को ये कैप्चर कर ले रहा है। सो गाइस यही था माइक्रो लेंस ऑफ ओप्पो रेनो 8T। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा ये। सो गाइस ये था ओप्पो रेनो 8T। इसमें बस मुझे एक ही कॉन लगा कि इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है 695 जिसको थोड़ा सा और बेटर कर देता ओप्पो तो इट इज प्रीटी गुड। दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन। सो मुझे तो ये फोन बहुत ही पसंद आया, डिजाइन, लुक्स, बैटरी, कैमरा, चार्जिंग, ओवरऑल ये फोन काफी अच्छा है। तो आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में आप मुझे कमेंट्स में बताइए। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। जय हिंद।